Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main hu Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain Fat Bike. Swachh hawa aur vatavaran har ek ko pasand hai aur swasth rehne ke liye yeh behad zaruri hai. Lekin yeh tabhi sambhav hai जब हर एक वह वाशिंदा इसे स्वच्छ रखने और वातावरण को ताजगी प्रदान करने में सहायक हो। क्या यह केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे संभव है? जवाब होगा नहीं। क्या यह केवल नगर निगम कर सकता है? जवाब एक बार फिर होगा नहीं। इसलिए सभी को इसमें एकजुटता दिखानी होगी। यहां हम बात कर रहे हैं मेरठ शहर के बीच में स्थापित सूरज कुंड पार्क की। सूरज कुंड पार्क की, जिसके बारे में मान्यता है कि यह वह स्थान है जहां कुंती पुत्र कर्ण ने अपना कवच कुंडल भगवान श्री राम को उपहार स्वरूप दे दिए थे। कुछ साल पहले नगर निगम ने गाजे बाजे के साथ इसे नया रूप दिया, बोटिंग, कलर फाउंटेन जैसे तमाम बड़े बड़े दावे किए और वादे भी किए, लेकिन यह सब हवा हो गए। ऐसे में क्लब 60 के साथ मेरठ के तमाम जिम्मेदार शख्सियतों ने इसके बेहतर रखरखाव या ब्यूटिफिकेशन का बीड़ा उठाया है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के बाद 6 जून को यहां इन सभी समाजसेवियों ने एक कार्यक्रम रखा है और यहां से ही सूरजकुंड के नए सफर की गाथा भी शुरू हो जाएगी। सोमवार को सूरजकुंड पार्क में शहर के तमाम जाने माने लोग एकजुट हुए और इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। firstbite.tv ने इन पलों को अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया और इन लोगों से बातचीत भी की। देखिए, मैं ज्ञानेंद्र अग्रवाल सूरजकुंड का निवासी हूँ, हंस परिवार से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार पिछले 70 वर्षों से यहाँ निवास करता है और मैं उस समय से इस सूरजकुंड पार्क की हालत देख रहा हूँ जब से ये इसमें पानी भरा रहता और कमल के फूल खिलते थे। हमारे चौराहे का नाम हंस चौराहा इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे उस जमाने में 2 हंस के जोड़े आते थे नियम से और उन्हीं के उससे इसका हंस चौराहा नाम पड़ा। सूरजकुंड पार्क का जो विकास हुआ है इसमें हमारे परिवार का और आर्किटेक्ट देवेंद्र मोहन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं नगर निगम से और मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों से ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जो प्रकृति का यहाँ पे विकास हुआ है वो निरंतर मेंटेन होता रहे और उसके लिए हम समाज के जितने भी लोग हैं वह उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ कर्मचारियों की कमी है जिसकी व्यवस्था नगर निगम को और मेरठ विकास प्राधिकरण को करनी है, बाकी हमारा सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा, हर तरह से हम उनके सहयोग के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक गोयल है और हम एक संस्था चला रहे हैं। 2009 में इसका यहाँ पर एक ग्रुप खोला गया था जिसका मेरठ ऐश्रे चैप्टर के नाम से, इसका ऐश्रे का पूरा फॉर्म है कि इंडियन सोसाइटी फॉर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इसका मेन उद्देश्य है कि ऊर्जा कैसे बचाएं और पर्यावरण को कैसे बचाएं, तो हम लोग इसके माध्यम से प्रोग्राम ऊर्जावरण करके हर साल एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो ऊर्जा बचाने के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनके लोगों को अवेयर करने के लिए इसके लगातार कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर मेरठ में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। धन्यवाद करना है। मैं क्लब 60 से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मेरे सीनियरों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि यहाँ पे एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाया जाए जिसका के रेंट मात्र 5 रुपये हो, ताकि उसी से उस जो कीपर हो मेंटेन करने वाला उसकी तनख्वाह निकल सके। साथ साथ हम चाहेंगे कि यहाँ पे और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और वे साथ साथ जुड़े और जो यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं उन लोगों को समझाएं और साथ ही साथ हम प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व, जैसे कि जानकारी में आया शाम के समय यहाँ पे असामाजिक तत्व आ जाते हैं, वो कुछ गलत कार्य करते हैं जिसके लिए हमें प्रशासन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। संजीव कुमार पुंडीर, फूड पार्षद शास्त्री नगर। सूरजकुंड पार्क जो है अपने आप में पौराणिक रूप से इसका महत्व है और पुराणों में इसका उल्लेख है। आज जो पार्क का मेंटेनेंस अच्छा, लेकिन
बहुत सी कमियां इसके अंदर भी है, जैसे कि पानी की कमी की वजह से बहुत सी घास सूखी हुई है। सवाई की वास्ता जब लोग घूमते हैं यहाँ पर तो जो धूल उड़ती है उसको भी लोग उसको ध्यान करते हैं, जिससे कि बीमारी होती है, फेफड़ों में नुकसान होता है, वक्त आता स्वास्थ्य के लिए लेकिन बीमारी लेके जा रहा है। इसके साथ साथ जो पौधे यहाँ पर हैं जो लगे और लगने चाहिए, काफ़ी जगह यहाँ पर स्पेस है, साथ ही साथ में इसमें जो है एक योग का अलग स्थान होना चाहिए, जहाँ पे अलग जैसे कि पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, सुबह के टाइम ये चीज़ बंद होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर लोग घूमते हैं योग करते हैं, तो इसकी कुछ देखभाल होनी चाहिए। साथ साथ में जो माली यहाँ पर कम आते हैं, माली की संख्या बढ़नी चाहिए, यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई करे माली ही सफाई करता है, तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है। इतनी बात मुझे करनी। 6 तारीख को कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? मेयर साहब आएंगे, नगर निगम के अधिकारी आएंगे और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उसको सब लोग आएंगे। क्या मांग रहे हैं? मांग कुछ नहीं है, इसको ठीक करना है, ठीक करना है, मांग कुछ नहीं, मांग तो बस ये है कि भाई जो पर्यावरण सुधरे यहाँ का, जो लोग आते हैं उनको अच्छी स्वच्छ हवा मिले स्वास्थ्य के हिसाब से। दूसरी बात जो है, मैं फूलबाग कॉलोनी से पूर्व पार्षद रहा हूँ, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण के दिवस पर सूरजकुंड पार्क के सौंदर्यकरण के लिए 6 तारीख को इस पार्क के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें हम समाज के सब प्रबुद्ध जन लोगों ने आज यहाँ पे मीटिंग की है और इस पार्क का कैसे सौंदर्यकरण हो इस बात पर गंभीरता से विचार किया है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, सब लोग मिलकर इस पार्क के सौंदर्यकरण के लिए हम समाज के अंदर कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अनिल महाजन, स्पोर्ट्स बिजनेस, रेजिडेंट सूरजकुंड स्पोर्ट्स कॉलोनी। कैसे ख्याल है आपको ये संस्था से जुड़े हैं आप? इसलिए ख्याल है कि संस्था से जुड़े हैं, हम लोग रोज पार्क में घूमने आते हैं, तो घूमने के बाद मालूम चला कि हर जगह गंदगी पड़ी रहती है और ये जो यहाँ कूड़ेदान है वो भी सब गंदे पड़े रहते हैं, जगह जगह ये यहाँ पर ऊपर से जो झाड़ियाँ वगैरह झड़ती हैं सारी और चलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसकी सफाई रहे तो जिससे घूमने वाले को अच्छा वातावरण और अच्छा माहौल मिले। यहाँ इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।